नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्बल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियां रेस हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जो है वो अभी भले ही शुरू ना हुआ हो, लेकिन एक पाले से दूसरे पाले में आने जाने का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है। आने वाले महीनों में जो है वो चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं बल्कि कुछ नई पार्टियां भी जनता के दिलों में राज करती नजर आ रही है। और इस बीच अगर हम बात करें एक ऐसे युवा चेहरे की जो कि जिनका नाम है जयराम महतो, उनकी दहाड़ जो है वो अब गांव-गांव पहुंच रही है और लोग दूर दराज से उन्हें सुनने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कल चंपई सोरेन भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं के बीच जयराम महतो पहुंच रहे हैं। चुनावी दंगल में जनता का मूड क्या है उसे तो जानेंगे ही, लेकिन अभी हम आपको सुनाते हैं कि जब जनता के बीच जयराम महतो पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से जनता के बीच अपनी दहाड़ लगाई। इसलिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, चासा घर का बेटा हूं। मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए, सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौ सीखी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस। क्यों क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है जहाँ की सीटों को, जहाँ की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहाँ बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं, वहाँ उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है, इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, वो खेती बाड़ी भी करते हैं। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए, बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए, वह सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए ज्यादा टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी, विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके। संदेश देंगे कि देखिए आप वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना कर, कभी महिला सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे दो भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से, अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उस बात सिपाही को जो दौड़ लेकर आए हैं, दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए।
जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए, ये चुनाव के समय में दोपहर को मत दौड़ाइए। भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। आप क्या जानिएगा महोदय? अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा? एसी में बैठने वाले लोग आप भी जानते हैं, जेठ और चेत महीना का जो गर्मी होता है ना, उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है। आपको भी मालूम है भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है अगर आप दौड़ कराना चाहते कीजिए, लाइट लगाइए शाम को कीजिए या सुबह 4 बजे भोर कीजिए, ये दोपहर में भादर महीने में दौड़ मत लगाइए। आज दो भाइयों ने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कल तीसरा भाई उस रास्ते में ना जाए, इस बात की चेतावनी आपको देना चाहेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा सरकार को कि आप केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए। आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए। तो कुछ आदिवासी चेहरे ऐसे हैं जो जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूती के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में से एक चंपाई सोरेन भी हैं। चंपाई सोरेन जो हैं वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही जेएमएम के पूर्व कद्दावर नेता भी, जो कि अब कल यानी कि 30 अगस्त को भाजपा की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर लेंगे। ऐसे में चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले जो कहा है वो पहले आपको सुनाते हैं। जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। असम के सीएम और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है, झारखंड सरकार है? तो आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है और आपने इस पर देखिए, हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं, और अभी भी जिस दल में, बड़ा दल में हम सदस्य लेने जा रहा है, दल का जो नियम है, दल का जो हमको काम देंगे उसी अनुसार हम काम करते आगे बढ़ेंगे। हमने काफी पैदल घूमते, नंगे पांव घूमते, हम हर चीज हम देखा है, झारखंड नंदले जंगल से लेकर शहर तक, मजदूर आंदोलन हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे, हजार हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है, 15-16 हजार से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया, हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में आई इस राज्य को विकास करने के लिए और आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए इस दल में हमने शामिल हो रहा है। थैंक यू। तो आप चंपाई सोरेन को सुन रहे थे, साथ ही जयराम महतो को भी आप सुन रहे थे। ऐसे झारखंड की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो खुल करके सामने आ रहे हैं, और जनता जो है वो असल मालिक होती है। ऐसे में चुनावी दंगल में कोशिश यही होती है कि जनता का मूड क्या है उसे टटोला जाए। चूंकि चंपाई सोरेन को लेकर के जनता क्या सोचती है ये हमने आपको चुनावी दंगल के कई सारे एपिसोड में सुना चुके हैं, लेकिन आज जयराम महतो को लेकर के राज्य की जनता क्या सोचती है ये हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रांची में इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और जिस तरीके से जयराम महतो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करके आने वाले समय में ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं के बारे में सोचेगी, झारखंड का विकास करेगी और 1932 खतियान जो है वो लागू करेगी, ये कहा जा रहा है जयराम महतो की ओर से। संजय, जी आपको बता दूं कि झारखंड में जो है कि एक नई राजनीतिक पार्टी का उम्मीद के साथ शुभारंभ हुआ है, और लोग जो है कि उन्हें जो है कि एक नया राजनीतिक दल के रूप में, एक नया ये के रूप में देख रही है, जिससे कि जो है कि जी नहीं उम्मीद के साथ जो है ना कि उन्हें एक देख रही है। और जयराम महतो जो है कि आपको बता दूं कि
युवाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, चूँकि वो बात करते हैं नियोजन नीति की, चूँकि वो बात करते हैं स्थानीय नीति की, और वो यहाँ में जिस प्रकार से जो है कि युवाओं के बीच में पॉपुलर है, युवाओं के बीच में चर्चित चेहरा है, चूँकि ये देखा जा रहा था जो कि है कि वो 4 से 5 सालों के भीतर जो है जो जन समस्याएँ जो मुद्दा है वो जन से जुड़ी हुई समस्याओं को वो उठाते हैं, और इसी की वजह से जो है कि वो कम समय में बेहद चर्चित चेहरा बन चुके हैं, और JBKSS का जो है कि झारखंड में एक अलग पहचान बन चुकी है, और जिस प्रकार से वो जो है कि परीक्षाओं में हो रही धांधली के बारे में जो है कि वो प्रमुखता से उठाते हैं, और जिसके वजह से जो है कि युवा जो है कि उनके साथ जुड़ते चले गए हैं। अगर बात करें तो आपको इसका नज़ारा जो है कि या फिर इसका अंतिम ये कहें कि परिदृश्य जो है कि आपको विधानसभा चुनाव में भी बेहतर रूप से देखने को मिला था, जहां पे ये भी सामने आई थी कि उन्हें जो है कि उनकी पार्टी को जो है कि युवा या फिर जो राज्य की जो जनता है वो पसंद कर रही है। और आपको बता दूं कि चंपई सोरेन आज जो है कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ये भी एक झारखंड की राजनीतिक में एक अलग अध्याय शुरू होने की बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कि चंपई सोरेन का जो फैक्टर है वो भी सामने आएगा। दूसरा बात रहा कि आपका जो छात्र नीति की बात करते हैं, छात्र राजनीति की बात करते हैं, तो जयराम महतो जो कि टाइगर के नाम से चर्चित हैं, तो वो भी जो है कि इस विधानसभा चुनाव में अपना जो है कि भूमिका निभाएंगे, और उसके वजह से जो क्षेत्रीय जो पार्टी है या फिर जो नेशनल पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे झारखंड में जो सत्ताधारी पार्टी है झामुमो, उनके लिए भी जो है कि जयराम कहीं ना कहीं एक किरकिरी साबित हो सकते हैं, क्योंकि महतो वोट को साधने के लिए जो है कि जयराम महतो का जो अपना एक पकड़ है वो महतो वोट के जो कुनबा है उस पर जो है कि उनका बढ़िया पकड़ है, क्योंकि महतो का जिस प्रकार से उन्होंने एक सम्मेलन किया था अलग अलग गिरिडीह में, बोकारो में, रांची के भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सिल्ली की बात करें, तो महतो जो समाज है वो भी जो है कि अपना नेता, नए नेता के रूप में जो है कि आपको बता दूं जयराम महतो को जो है कि अपना नए नेता के रूप में उन्हें अपना स्वीकार कर रही है, अपने जाति का नेता या फिर जाति का जो वोट बैंक है वो जयराम महतो को देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका आप सीधा नज़र देख सकते हैं कि ये भी है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्हें जो तकरीबन जो है कि 3 लाख से ज़्यादा वोट आया था, और तीसरा पोजीशन जयराम महतो को मिला था जब वो गिरिडीह विधान लोकसभा क्षेत्र से जो है कि जो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्हें मिला था। दूसरी बात बता दूं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जो है कि संजय मेहता जी JBKSS की चुनाव सीट से जो है कि चुनाव लड़े थे, उन्हें भी जो है कि जनता का बेहतर समर्थन मिला था। रांची लोकसभा सीट से देवेंद्र महतो चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्हें भी जो है कि जनता का एक बेहतर समर्थन उन्हें मिलने चुनाव में जो है कि मिला था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो JBKSS है उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और झारखंड की राजनीतिक गलियारों में अगर देखा जाए तो प्राय हर पार्टी के लिए जयराम महतो एक चुनौती है, और जयराम महतो का जिस प्रकार से युवाओं के बीच में या फिर राज्य निवासियों के बीच में एक मजबूत पैठ बनते नज़र आ रहा है, जिससे बाकी पार्टियां जो है कि घबरा गई है, और ये भी हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद या फिर विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट आती है JBKSS को या फिर JLKM को, अगर इस पार्टी को बेहतर रिजल्ट आता है तो हो सकता है ये विपक्ष में ना बैठे, जो भी सत्ताधारी पार्टी रहे, वो चाहे भाजपा रहे चाहे महागठबंधन रहे, उनके साथ ये मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये नई पार्टी है और लोग जो है इस पार्टी को एक नई विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है कि दिल्ली वासियों के लिए एक नया विकल्प बनकर आया था, उसी प्रकार झारखंड के खास तौर पर जो है कि पूर्वी क्षेत्र में गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, इस क्षेत्र में जो है कि जो महतो वोट बैंक है यानी OBC जो वोट बैंक है, OBC समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग ताल्लुक रखते हैं, वो जो है कि JBKSS को जो है कि काफ़ी समर्थन दे रहे हैं, और उनके अपने नेता, अपने माटी के बेटा और नेता के रूप में उसे जयराम महतो को स्वीकार कर रहे हैं। और चूँकि आपको बता दो कि इस विधानसभा चुनाव में तकरीबन जो आपको जो है कि 50 से ज़्यादा विधानसभा सीट में जो है कि JBKSS जो है कि अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। हालांकि ये भी एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो JBKSS पार्टी है
अभी नई नई पार्टी बनी है और पार्टी बनने से पहले ही जो है बिखराव की भी जो खबर है वो सामने आ रही है। जो JBKSS के जो बड़े नेता हैं, जैसे बात करें कि कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, छात्र नीति की बात करते हैं, छात्र आंदोलन में वो महत्वपूर्ण बिल्कुल पुराने नेता हैं उनके अंदर जो है वो अब सब कुछ ऑलवेज वेल नहीं चल रहा है, एक टूट नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे संजय एक चीज और मैं दर्शकों को और आपको ही बता दूं कि JBKSS जो पार्टी है अभी फिलहाल उनका नाम जो है वो JBKSS की जगह JLKM हो गया है, चूंकि उन्हें एक नया नाम और नया सिंबल मिला है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अगर पार्टी चाहती है तो नाम में तब्दीली हो गई है। लेकिन अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन और JBKSS जिसका नाम अब JLKM हो गया है, संजय ये दोनों ही बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जयराम महतो हो या फिर चंपई सोरेन हो। और एक कॉमन चीज ये है कि जयराम महतो के क्षेत्र में उन्हें टाइगर कहा जाता है और चंपई सोरेन अपने आप में एक टाइगर कहे जाते हैं। ऐसे में अब चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह जो है वो रामदास सोरेन जो कि घाटशिला से ही JMM के विधायक है, अब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जनता के बीच आप मौजूद हैं, कई सारी जनता भी आपके पीछे नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कि इन दोनों ही टाइगर नेताओं के बारे में उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनका मूड क्या है। संजय जी, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव अगर होता है तो किस प्रकार से जो है कि जनता का जो मूड है वो क्या बदलाव के मूड में है, या फिर एक बार फिर से जो है कि जो सत्ताधारी पार्टी है JMM ही एक बार पुनः जो है कि कुर्सी पे काबिज होती है, या फिर झारखंड की जनता जो है कि बदलाव चाहती है, क्या चाहती है जनता, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा तो अभी हेमंत सोरेन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बदलाव होना चाहिए या फिर यही सरकार अच्छा है? बदलाव तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक ही है। ठीक ही। आपको बता दें कि अभी एक अखबार में या फिर टीवी मीडिया में काफ़ी एक चेहरा जो है कि वो पार्टी बदलने से जो है हड़कंप मचा हुआ है, चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या चुनाव से ठीक पहले झामुमो छोड़ते हैं तो झामुमो के लिए कितना चिंता का विषय होगा और भाजपा के लिए कितना राह आसान होगा? ये तो देखिए ऐसा है कि वो तो उनके ऊपर है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उन्हीं को पता है, बाकी कोई तो जान नहीं रहे हैं। आखिरी सवाल ये करते हैं कि भाजपा के पास पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक समूह है, बाबूलाल मरांडी पहले से आप देख ही रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं, पीछे दरवाजे से आपके मधु कोड़ा भी हैं, चंपई सोरेन, चारों आदिवासी चेहरा हो जाते, क्या ये चारों आदिवासी चेहरा के आने से भाजपा को मजबूती मिलेगा? एकदम मिलेगा ही, हाँ मिलेगा ही। तो क्या लग रहा है झारखंड में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी? देखिए अब तो वो ये तो नहीं बता सकते हैं ना, ये तो वक्त बताएगा। जी, ये वक्त बताएगा, इन्होंने सही कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर झारखंड विधानसभा होता है अगर आगामी कुछ ही दिनों के बाद में, तो झारखंड में जो है कि क्या बदलाव होगी या नहीं होगी ये तो जनता का मूड ही बताएगा। सर, क्या लगता है चुनाव अगर होता है? सर, हम प्रेस से खुद हैं। अच्छा, चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे चूँकि हमारे साथ लोग हैं। सर, अगर झारखंड में चुनाव होता है तो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है तो क्या लगता है ये बदलाव होनी चाहिए या फिर, चलिए ये भी मना कर दी हम चूँकि लगता है राजनीतिक में उतना ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, झारखंड में जो है कि अभी सत्ताधारी पार्टी झामुमो मौजूद है, काबिज है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर यही सरकार आना चाहिए? अभी का वर्तमान जो सिचुएशन है इसके अनुसार बहुत तगड़ा टसल होगा, सरकार किसी की भी बन सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? सर, चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अब JMM छोड़ के भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, ये उनकी समस्या है। जी, जी, उससे आम पब्लिक को लेना देना कुछ नहीं है, समझे ना। आम पब्लिक देखता है कि हमारा प्रदेश का विकास हो, समझे ना, हमको अच्छे से अधिक सुविधा मिले। और तीन जो सुविधा मैक्सिमम माना गया है जो बेसिक है, स्वास्थ्य, सड़क, पानी परिवहन और शिक्षा,
जो जो इसको फुलफिल करेगा वो लॉन्ग लाइफ करेगा, करेगा मतलब वो टिका रहेगा। कि आप एक आम जनता हैं और एक तारीख से जो है, एक सितंबर से जो है, जो स्मार्ट मीटर लगाने की बातें आ रही है, अभी जो झारखंड रांची राजधानी की स्थिति देखी जाती है कि हल्की आंधी तूफान में भी जो है कि लाइट गुल हो जाती है, और प्रीपेड सेवा यानी कि आप पहले पैसा दीजिए और फिर आपको बिजली मिलेगा, तो क्या झारखंड सरकार को अभी ये प्रीपेड बिजली सेवा शुरू करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं बिजली का भुगतान जो है पैसा जो है बढ़ाऊंगा, इतना आपको यूनिट फ्री कर दूँगा, उसके बाद मैं पैसा बढ़ा दूंगा। क्या फायदा होगा पब्लिक को? उससे तो पब्लिक को और बोझ आएगा। आप फ्री ना करके उसको डाउन करके रखिए, उससे ना आदमी खुश रहेगा। हम आपको फ्री दे दें खाना, समझे ना, और आपके आने जाने का साधन जो है वो हम महंगा कर दें, तो आपको क्या महंगा पड़ा, क्या फ्री पड़ा? एकदम सही कहा आपने कि जिस प्रकार से जो है कि अगर फ्री दे दे और उसके बाद अगर कोई सुविधा ना दे तो कहीं ना कहीं जनता को जो है, जनता को जो है कि दिक्कत होगा कि जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो उस फ्री सेवा का करेंगे क्या जनता। तो हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे, चूँकि हम इस वक्त मौजूद हैं रांची के हरमू मैदान के ठीक बगल में। यहाँ पे झारखंड से जो जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ के बसिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अगर कल के डेट में, अगर आगामी कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है तो झारखंड की जनता जो है कि किसे चुनेगी, किसे अपना नेता मानेंगे, किसे अपना जो है कि वोट देंगे, उनकी क्या अपनी राय है। हम यहाँ से लोगों से जो दुकान लगाते हैं, चूँकि ये रेहड़ी पटरी में दुकान लगाते हैं, तो इनकी क्या समस्या है और ये झारखंड सरकार को किस रूप से देखते हैं। भैया अगर क्या लगता है विधानसभा चुनाव होगा तो झारखंड में क्या बदलाव होना चाहिए या फिर हेमंत सरकार को फिर से आना चाहिए? बताइए ना, उनका तो हम पूछेंगे, बोलने नहीं सक रहे हम, और भी दुकानदारों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सूर्य हुसैन कुमार। सूर्य हुसैन, कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? एक साल लगभग हो गया। चलिए, किसी प्रकार पुलिस परेशान नहीं करता है? नहीं, कोई नहीं परेशान नहीं करता। चलिए ये बताइए कि झारखंड में जो है कि अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो क्या लगता है कि ये हेमंत सरकार को फिर से गद्दी में आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए, आपके नज़रिए से क्या हो लगता है? अभी तो देख रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए अभी नया महिला सम्मान योजना मिला, 1000 रुपये मिल चुका, उसके बाद अबुआ योजना ये किए, लगा नहीं मेरा नहीं मिला, पर लेकिन काम अभी देख रहे हैं ज़्यादा हो रहा है, अच्छा काम। देखिए आने वाला तो भविष्य हम नहीं कर सकते, होने की संभावना है, कुछ भी हो सकता है। अभी चंपई जी छोड़ के चले गए, भाजपा में चले गए, क्या कहेंगे? उनका मन है, अब उनका मन को कैसे कुछ बोल सकते हैं। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो कि हरमू की जनता की क्या राय है विधानसभा चुनाव को लेकर, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो है कि आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव झारखंड में बेहद जल्द होने को है और इस वक्त हम रांची के सड़कों पर उतर करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव अगर होती है तो राज्य की जो जनता है उनकी अपनी क्या राय होगी। हम लोगों से एक एक करके जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? बोलने में असमर्थ है, हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सामने आप पीछे देख सकते हैं एक युवा साथी हैं, आप झारखंड के रहने वाले हैं। अभी विधानसभा चुनाव होगा तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर हेमंत सोरेन को गद्दी में आना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। क्या लगता है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन क्या है कि जो जैसा पुराना है वो उस तरह से भी नहीं कर रहे हैं। चंपई सोरेन को जानते हैं? वो कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं, कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं, और टाइगर जो है कि अपनी पुरानी जो गुफा है, अपनी पुरानी जो अपना रहने का स्थान है यानी झामुमो, उसे छोड़ के अब जो है कि कमल का दामन थामने जा रहे हैं, तो क्या इस उम्र में उन्हें जाना चाहिए? इतने समय लंबे समय तक पार्टी में रहे और अंतिम समय में वो अब कमल का दामन थामने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए समय के हिसाब से बदलाव तो होते रहता है, अब पुराना आदमी पकड़ के रहेगा, अब हम पुराना कुछ और कर रहे थे अभी कुछ और कर रहे हैं, वैसे वो भी चाह रहे हैं कि कुछ और करेंगे। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल जो है, ये सवाल ये है कि भाजपा में पहले से जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री का एक झुंड है, एक समूह है, हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, बात कर रहे हैं अर्जुन मुंडा की, बात कर रहे हैं हम गीता कोड़ा की वाई हस्बैंड की मधु कोड़ा की, और तीनों जो है कि आदिवासी चेहरा है, और एक चौथा कल से जो है कि भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे
और उनका नाम है टाइगर चंपई सोरेन। क्या इन चारों के आने से भाजपा को कितनी मजबूती मिली है और हेमंत सोरेन के लिए कितना टफ होगा ये चुनाव? मजबूती मिलेगा, देखिए पहले से तो बहुत अच्छा सोच करके मिल करके काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। आपके हिसाब से भाजपा की सरकार जब झारखंड में रहती है तब सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहता है या फिर यहाँ की जो विकास है वो काफ़ी तेजी गति से होती है या फिर महागठबंधन यानी हेमंत सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार बढ़िया काम करती है? कौन किसी सरकार में अच्छा? नहीं, भाजपा का तो कर रहा था बढ़िया से, कर रहा था। हाँ, बीच में इधर तो थोड़ा सा गड़बड़ा, क्राइम तो इधर ज़्यादा बढ़ गए कि आप लोग भी तो जान ही रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा। युवा होने के नाते आप अगर मत देंगे तो किसको देंगे, कमल की तरफ में या फिर महागठबंधन? वो तो समय आने पर देखा जाएगा। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अपनी क्या राय है और ये अपना जो है कि मत किसे देंगे और किस सरकार को ये ज़्यादा लाइक करते हैं। चूँकि हमारे साथ कुछ युवा भी, हम जानने की कोशिश करेंगे चूँकि अपना ये रोजगार के लिए जो है कि दुकान लगाती है। आप यहाँ दुकान लगा, किसी प्रकार कोई समस्या परेशान नहीं करता है? नहीं, यहाँ के कोई ऐसा परेशानी नहीं। नगर निगम? चलिए, दो मिनट थोड़ा समय दीजिए, जलेगा नहीं, इतना विश्वास रखिए। ये बताइए कि अभी हेमंत सरकार जो है कि अच्छा काम कर रही है या फिर बदलाव होना चाहिए विधानसभा चुनाव में? बदलाव थोड़ा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आप एक युवा हैं, पढ़ लिख के अभी आपको जो जॉब करना चाहिए, आप यहाँ पे अपना परिवार चलाने के लिए अपना बिजनेस कर रही हैं, तो क्या आप कितना पढ़ाई किए सबसे पहले ये बताइए? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं और अभी लॉ का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को उस टाइप्स का वैसा हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में? मेरे घर में पूरे फैमिली है। तो फिर आप दुकान क्यों लगाते, क्या वजह क्या है? वजह इसलिए है, ये है ना, क्योंकि हमको खुद का पढ़ाई का खर्च खुद नहीं निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी पापा उतना ये नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग को हायर पढ़ाई करना है तो उसके लिए तो हम लोग को खुद ही मेहनत करना ही पड़ेगा, इसलिए हम खुद का दुकान लगा रहे हैं। तो सरकार से आपको क्या उम्मीद है? जैसे झारखंड में तो परीक्षाएँ जो है कि आयोजित होती है, छात्र जो है कि स्टूडेंट जो है कि परीक्षा लिखते हैं, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट आने से पहले जो है कि पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे? जाता है। आखिर सरकार, ये तो सरकार से कहाँ चूक हो रही है? अब सरकार से कहाँ चूक हो रही है वो तो अब वो लोग ही सरकार ही बताएंगे। कितना पीड़ा होता है, कितना दुख होता है? अगर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत लोग तैयारी इतना मेहनत से कर रहे हैं, दिन रात डिप्रेशन में हो जा रहे हैं, हम खुद डिप्रेशन में हो जाते हैं, कितना दिन रात पढ़ाई करते, मेहनत करते, पेपर लीक हो जाते हैं, हम लोग को बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बता दूं कि देखिए, मैं आपको अपने सहयोगी से कहूँगा कि जल रहा है, देख सकते हैं कि जो है कि हरमू रोड यानी कि रांची में जो पढ़े लिखे युवा जो है कि अपना परिवार चलाने के लिए या फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, आपको बता दूँ जिनसे मैं बात किया, इस दुकानदार जो है, ये दुकानदार जो लड़की से चला रही है, ये आपको जो है कि एडवोकेट की तैयारी कर रही है, LLB की तैयारी कर रही है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो बेरोजगारी है वो किस कदर हावी है और यहाँ के युवक जो है, युवक या फिर युवती जो है कि अपना जॉब का अपना इंतज़ार कर रही है, अपना नौकरी पाने का इंतज़ार कर रही है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, अगर ये बता पाएंगे, बात कर पाए तो। सर ये बताइए, अगर झारखंड में चुनाव होता है तो क्या यही सरकार आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? हम लोग नहीं बता पाएंगे साहब, नहीं बता पाएंगे। सर आपको क्या लगता है? अच्छा, सर ये लोग लगता है कि जो जिनसे हम जुड़े थे ये बाहर से हैं, इन्हें झारखंड की राजनीति के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इनकी अपनी क्या राय है। सर अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है तो क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर हेमंत जी को फिर से आना चाहिए? नहीं, बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन कभी कभी अवश्यम्भावी हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होने की वजह से भी कभी कभी स्थितियां गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। चलिए, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये करेंगे कि कल चंपई सोरेन झामुमो छोड़ करके भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, तो इस उम्र में उन्हें पार्टी अगर छोड़ना चाहिए तो क्या लगता है, सही निर्णय है? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्तित्व जो होता है वो उसका नज़रिया जो होता है वो बहुत दूर तक होता है। ठीक है, छोड़ना बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ने के बाद क्या? यदि हम झारखंड के नेता हैं, झारखंड को देखते आए हैं, झारखंड को देख रहे हैं, तो भविष्य में क्या, उसका रास्ता बनाने की उनकी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए कोई भी चीज़ राजनीति। टाइगर कहलाते हैं, टाइगर को क्या पार्टी, पुराना पार्टी को छोड़ देना चाहिए? देखिए, ये सब बातें अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि राजनीति का परिभाषा हम लोग नहीं गढ़ सकते हैं। जी, और जो राजनीति में है उनकी अपनी समझ होती है, और चूंकि वो बहुत अनुभवी है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो स्वाभाविक है कि उनका जो दृष्टिकोण है कि जिस प्रकार से जो है कि पाँच साल जो है कि हेमंत सरकार जो है कि हेमंत सोरेन वो अपना हिम्मत के माध्यम से जो है कि पार्टी को टूटने नहीं दिखे,
दिए, बिखरने नहीं दिया और हिम्मत के साथ जो है कि वो काम लिया और अपना पार्टी को संभाल कर रखे, तो क्या भाजपा उनके लिए हेमंत जी के लिए कितना चुनौती होगा, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जो है कि रांची में डेरा डाल दिए। अब बिल्कुल चुनौती तो उनके लिए होगा ही, और स्वाभाविक बात है हेमंत जी बहुत पुराने नेता हैं और झारखंड के हैं, झारखंड की मिट्टी से हैं, तो संघर्ष काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसमें किसी नतीजे पर जाना बींग ए वोटर हम नहीं जाता है सही। हम और भी लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर आपके हिसाब से क्या लगता है, झारखंड में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होने से बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होती हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। और जैसा कि अभी बताए मित्र ने कि प्रकृति का नियम है कि डेवलपमेंट, परिवर्तन, तो ये तो परिवर्तन जरूरी है। आपके हिसाब से भाजपा की जब सरकार जो है कि सत्ता में रहती तब ज़्यादा बेहतर काम होता है, या फिर महागठबंधन की सरकार जब जो है कि राज्य में काबिज होती है, सीएम कुर्सी पर रहते हैं तो बेहतर काम होता है, क्या लगता है? देखिए बेहतर काम का कोई ऐसा स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। बेसिकली क्या है कि किस सरकार में राज्य की जनता खुश है, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं अपने सरकार से, वो उनकी कितनी पूर्ण हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो अभी परिवर्तन की बात है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आदमी जो है आज के डेट में चाह रहा है कि वो हो, आगे बढ़े उससे, यही बात है। लेकिन झारखंड का एक दुर्भाग्य रहा है सर, जाते जाते आप एक आखिरी सवाल कि 24 साल के झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री जो है कि अपना दोबारा कार्यकाल नहीं देख पाया, एक अर्जुन मुंडा को छोड़ के। नहीं तो इसमें प्रश्न क्या, पांच साल पूरा करने के बाद कोई भी सरकार जो है, कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा एक बार काबिज नहीं हुए हैं। भले कुछ दिनों के लिए हुए हैं, कुछ सालों के लिए हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ये दोबारा बने हैं, लेकिन 5 साल पूरा करने के बाद, जैसे अभी केंद्र में जो है कि जैसे पीएम मोदी जो है कि वो तीसरी बार है, उस तरह से झारखंड में नहीं हो पाया है, तो आखिर यहाँ पे जोड़ तोड़ क्या सरकार माने कि रेगुलर क्यों नहीं हो पाती? जोड़ तोड़ की बात नहीं है, बात है यहाँ की जनता की सोच जो है वो उस तरह की है, वो किसी भी पर्टिकुलर एक किसी नेता या किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए उसको दोबारा चांस नहीं दे रही है और दोबारा लोग नहीं बन पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है सर कि झारखंड में जो है कि झारखंड के नेताओं के साथ में भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप लगते हैं, अभी अगर हेमंत सरकार की बात करें तो इसमें आपके जो आलमगीर आलम है वो जेल में है, तो भ्रष्टाचार कितना है यहाँ पे हावी है झारखंड में? देखिए इसके विषय पर तो बहुत ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भ्रष्टाचार में कहाँ तक कौन कितना संलिप्त है, लेकिन हाँ जो भ्रष्टाचारी लोगों के बारे में जिस तरीके से आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है बस वही जानकारी मुझे है, बाकी इसके विषय पर तो कुछ बोलना उचित नहीं है मेरे लिए। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होता है तो इनकी अपनी क्या राय होगी, और झारखंड की जनता जो है कि किसे अपना सरकार चुनती है, और किस नेता विधायक या फिर सीएम को जो है कि अपना सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और भाजपा के लिए भी अभी बता दें कि चुनाव बेहद नज़दीक है और कल चंपई सोरेन जो है कि भाजपा का दामन थामेंगे, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि झारखंड के राजनीति में अगर देखें तो 4-4 आदिवासी चेहरे हो जाएंगे, 4-4 आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो जाएंगे। क्या इनके आने से जो है कि पार्टी को कितना बल मिलेगा, पार्टी को कितना मजबूती मिलेगा, हम इस चीज़ को जानने के लिए हम अलग अलग लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है तो झारखंड की जनता किसे अपना सरकार चुनती है, क्योंकि झारखंड में एक तरफ जो है कि आसू है, एक तरफ जो है कि RJD है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ झामुमो है, तो ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी है और कुछ नेशनल भी पार्टी है, तो इनका झारखंड के जो जनता है इनके बीच में अपना पकड़ है, और ये लोग जो है कि लगातार अभी कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो झारखंड आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी हो रहा है, तो हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर अगर झारखंड में चुनाव होता है तो क्या लगता है, हेमंत सोरेन को फिर से आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, नेता के जुबान से 3 डायलॉग रटा रटाया रहता है,
भय मिटा दूंगा, भूख मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। क्या ये तीनों ही बातें बिहार से अलग हुए झारखंड 24 साल बीत गया, ये तीनों ही चीज मिटा पाते हैं? नहीं नहीं, तो एनडीए भी नहीं मिटा पाया, ये सरकार भी नहीं मिटा पाई है। अगर राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें, तो विकास में कौन बेहतर काम करता है, भाजपा की सरकार या फिर गठबंधन वाली सरकार? हम तो भाजपा सरकार के समर्थक हैं, उसी को बोलेंगे। चलिए, हम और भी साथी से जुड़ना चाहेंगे। सर, आप लोग जो है कि साथे हैं, चलिए, लेकिन आप भी तो बताइए, आप लोग जो है कि आखिर किसे चाहते हैं? शिबू सोरेन के टाइम आप लोग देखे हुए हैं, चंपई सोरेन को आप लोग करीब से, भाजपा के राज देखे हैं, ये तो शिबू सोरेन के तो 5 साल हुआ है, चाहते तो हेमंत सोरेन का 5 साल ना भी चल रहा है, बाकी तो 15 साल समझिए कि 20 साल वही किया है। लेकिन वो खाली सरकार बनने पर उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं करता है सबका। तो जनता की जो राय है, वो जो बाकी जो सरकार रहती है वो जनता के अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है। और बात रहा कि विधानसभा चुनाव जो है कि बेहद नज़दीक है, और तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो है कि रांची आना जाना शुरू सिलसिला हो गया है, चाहे हम बात करें चिराग पासवान की या फिर जीतन राम मांझी की, तो उनकी भी पार्टी जो है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने का अपना सहमति या फिर अपना मौजूदगी जो है कि वो झारखंड में दिखा चुकी है। तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है या फिर अभी जो है कि राज्य की जो जनता है, वो विकल्प के रूप में चंपई सोरेन सॉरी नए विकल्प के रूप में जो है कि टाइगर जयराम महतो को भी देख रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस जोड़ तोड़ की सरकार में, या फिर बात करें महागठबंधन सरकार की, जिन्होंने अपना हिम्मत से, हेमंत जी की हिम्मत से 5 साल की जो कार्यकाल है वो पूरी कर ली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा में कल एक बड़े चेहरा चंपई सोरेन शामिल हो जाएंगे, और उनके पास 4-4 आदिवासी मुख्यमंत्री का एक झुंड सामने आ चुका है। और क्या ये 4 आदिवासी चेहरा मिलकर आदिवासियों का, धन्यवाद आपका। चुनावी दंगल में हमारी कोशिश यही होती है कि जनता के मूड को हम जानने कि आखिर जनता का मूड क्या कहता है। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट बढ़ चुकी है, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। आगे भी हम आपको चुनावी दंगल में झारखंड की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल आज के लिए चुनावी दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।